लेके जाएगा हम सवारी बेटा, तो ऐसे तो नहीं जाएगा। हम करोड़ रुपए तो नहीं दिए है, उधर से रुपए दिए है। जो बोले वो क्या बोले, जबान किया है ना, क्या है टैक्स ला के, तो हम आपका जिम्मेवार है। हाँ तो आप जिम्मेवार, जब मेरा हम जिम्मेवार है। पहले ही लेट हुआ होगा, एक घंटा ये रास्ता भूले, अब एक घंटा आप यहाँ पहुँच गए, हमसे पहुँचने पहले तो इतना लेट हो गया। किराया तूने पूरा लिया होगा, किराया पूरा दिया तुझे, पैसे कम नहीं दिए तुझे। अस्सलाम वालेकुम, नए दिन के साथ और नए उम्मीदों के साथ आपकी प्यारी सी बहन नाहिद अख्तर हाजिर है। तो आपने कुछ क्लिप्स देखे, आपने सोचा होगा ये क्या क्लिप्स हैं। मोबाइल था, हो गया था बंद, और जिसकी वजह से आईफोन मेरा बंद था। मुझे ये था कि अभी दो तीन घंटे में घर पहुंच जाएंगे तो मैं बना लूँगी। मैंने इतना फिर मैंने, चूँकि हम होटल से इसको मैंने चार्ज किया था, मेरे आईफोन में इतनी बैटरी नहीं ठहरती, बेचारा सस्ता सा 7 Plus है मेरा, तो ये भी बड़ी मुश्किल से मैंने जनाब लिया। तो वापसी पर मैंने कहा अगर मैं मोबाइल तो चार्ज कर नहीं, पावर बैंक था, मैंने कभी दो घंटे में घर पहुंच जाएंगे। अब मुझे ये तो नहीं पता था मेरे साथ ये सीन होगा। तो दरअसल हमारे साथ सीन ऐसा ही हुआ, जो कल आपने वीडियो देखी थी मेरी कज़न की शादी की वापसी पर, हम वहाँ से निकले थे, पहले ऑलरेडी हम लेट हो चुके थे, लेकिन हमारा ये आइडिया था कि 6 हो गए, हम निकलेंगे 8 बजे पहुँच जाएंगे, 8 बजे का 2 घंटे का रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस टाइम हमरा के असर की जैसे जाने हुई, हम होटल से आए, होटल में थे कि असर की जाने हो गई, और आए फौरन बैग उठाया और आ गए जनाब। जुमे का दिन आया था, तो जब हम अड्डे में पहुंचे तो सीटें बड़ी मुश्किल से हमें दो मिली। आपको पता दो लेडीज़ होती हैं, बड़ी नखरों से बैठाते हैं क्योंकि साथ जेंट्स नहीं होता, और जनाब 3 सीटों की जगह पर 4-4, 5-5 बंदे बैठाए जाते हैं। तो वो तो किस्सा मुख्तसर से दो बड़ी, पहले तो गाड़ी वाले ने सीट्स फुल पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी देर लगा के आया, 6 बजे हम गाड़ी में बैठे, 15 मिनट उसने लगाए। फिर जनाब जब गाड़ी निकली थोड़ी देर बाद, उनको याद आ गया गैस भरवाना है, 2 गाड़ियाँ आगे लगी हुई थी और गैस पेट्रोल एकदम भरे जाता है लेकिन गैस टाइम लगाता है, तो जनाब वहाँ पर उसने वहाँ पर आधा घंटा लगाया। चलें वो भी सही है, उसने गया हमारा तकरीबन 1.5 घंटा यहाँ पर ज़ाया हो गया। उसके बाद हम निकले जी जनाब, जहाँ मोटरवे से आती है मानसरे से गाड़ी जो टैक्स ले आती है, मुझे पसीना आ रहा है, पंखा बंद किया हुआ, तो मोटरवे से आती है जो गाड़ी तो वो जारिकस से उतरती है और वहाँ से हसन वाली साइड आ जाती है। जारिकस से हसन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट का ड्राइव हो गया। तो उसने क्या किया, जारिकस मुड़ने वक्त के उतर के हसन वाली साइड आने की जगह जनाब वो चल पड़ा हरिपुर। तो मुझे एक दो जगह मुझे भी हुआ हरिपुर लजर, लेकिन जाहिर है मुझे इतना जगह, एक तो रात थी, इतना अंदाज़ा नहीं था। मेरे साथ जो एक लेडी बैठी हुई थी उनको ये चीज़, उन्होंने कहा कि ये आप किधर जा रही है, तो हरिपुर आ गया, और काफ़ी 1 घंटे बाद, यानी जरिकस से हरिपुर 1 घंटा लगता, 1 घंटे बाद उसने कहा ये आप किधर जा रही है, तो आप हरिपुर शहर में आ गए, हर तरफ हरिपुर लिखा, हमने तो हसन जाना था। तो वहाँ से वो हंसा, खान साहब खिसके हुए थे पूरे, हंसे और यू टर्न लिया और उस तरफ किसी से रास्ता पूछा कि वाकई हसन वाली साइड जा रहा हूँ, उसने कहा 2 घंटे वो ज़ाया हुआ, यानी पूरे 2.5-3 घंटे हमारे ज़ाया हो गए। 10 बज गए थे, अभी हम हसन नहीं पहुँचे थे, तो 10 तकरीबन हम हसन पहुँचे 10:30 बजे। वहाँ पर वो जनाब, यहाँ पर ये क्या करते हैं जो ड्राइवर हजरात हैं, ये जो हसन आके, चूँकि गाड़ी की तो हमारी टैक्स लिखी होती है लेकिन अक्सर सवारियाँ ना हसन उतर जाती हैं, तो ये दो ड्राइवर आपस में फ़ोन पर कांटेक्ट रखते हैं, चूँकि दोनों की सवारियाँ थोड़ी रह जाती हैं, एक उतारता अपनी सवारियाँ दूसरे में बैठा देता है,
और वहाँ पर उन्होंने ये कुछ शुरू कर दिया। एक लेडी अकेली थी हमारे साथ तो सिर्फ एक लेडी रह गई थी, हम रह गए थे और एक फैमिली और थी। और मुझे ये पहले ऑलरेडी मैं परेशान हो गई थी, अम्मी साथ थी, आपको पता है पिछले दिनों भी ढाका पड़ा था, हमारे बेटे का मोबाइल लिया गया था, मैं भाग गई थी, तो वो मेरे अंदर डर भी पैदा हो गया हुआ। तो मुझे ये था कि पहले ऑलरेडी हम इतने लेट हो गए और यहाँ सवारियाँ बैठा, एक और बंदा था वो भी लड़ने शुरू हो गया उसके साथ कि देखो तुम सवारियां बैठा रहे हो, हम ऑलरेडी, मैंने मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने कहा भाई देखो तुमने पहले हमें इतना लेट किया है, पहले तुमने 2 घंटे ज़ाया किए, 3 घंटे बल्कि, और अब तुम यहाँ पर सवारियां बैठाने में, और वो लोग बैठ भी रहे थे, लड़ाइयाँ लगा रहे थे, मैंने कहा अब हमारा टाइम यहाँ वेस्ट कर रहे हो। तो आगे से पश्तो में दूसरे को कहता है ये मुसलमान ही है, काफ़िर है। इस बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया जो मेरे साथ, इतनी तो पश्तो समझ ही जाता है बंदा, तो जो मेरे साथ लेडी थी उनको कहीं पश्तो आती थी, उन्होंने पश्तो में उनको अच्छी बली सुनाई उसको। तो अब जनाब इतना वो, इतनी वो परेशानी, रात के फिर 10:30-11 बज चुके थे, तो जहाँ पर हमने उतरता है मैंने उसको कहा यहाँ उतार दो, मैंने जगह का नाम लिया, उसने उतारा ही नहीं, बल मैंने कहा मैंने तुम्हें कहा था यहाँ उतारना, कहता मुझे क्या पता वो कौन सी जगह है, तुम बताओ ना कि यहाँ उतारो, हम उतार दूँगा। मैंने कहा अच्छा यहीं उतार दे मेरे भाई, तो वहाँ से उतारा मैंने उसकी नंबर प्लेट। अच्छा ये है गैर कानूनी है इस तरह बीच में आपने सवारियों की, चूँकि आप हमने टैक्सला तक पैसे दिए होते हैं, हमने अपने स्टॉप तक पैसे दिए होते हैं, ये इलीगल है बीच में सवारियाँ बैठाना। लेकिन चले आप मैंने मजदूरी करते हैं, पेट्रोल लगाते हैं, इनको ये होता कि हम चलो थोड़ा सा कमा लें, आज कहती महंगाई हर कोई कहता है मुझे 2 पैसे कहीं से मिल जाए, लेकिन अपनी गलती तो एक्सेप्ट करो, पहले तुमने इतना हमें लेट किया, आगे भी इतना उस वक्त तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने उसको अच्छी भली सुनाई भी थी। तो मैं ऐसे नहीं बोलती होती, अगर किसी की गलती नहीं है मैं नहीं बोलती होती, लेकिन एक बंदा गलती करे ऊपर से उस पर अड़ जाए, मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। और मुझे ये लगता है पाकिस्तान में आप चुप रहोगे ना आपको इतना ही दबाया जाएगा जब तक आप खुद नहीं बोलोगे। फिर आए, मैंने भांजे को कॉल की, चूँकि हम और तो हम आए, तो फिर मैंने भांजे को कॉल की कि चूँकि अब रात के बज गए थे 11 और तकरीबन सारा जो इलाका था वो खाली हो गया था, सिर्फ कुछ दुकानें खुली थी, तो मैंने भांजे को कॉल की आके हमें ले जाओ क्योंकि अभी आधी रात है और रिक्शा भी सेफ़ नहीं है, एक तो रिक्शा ना मिले ऊपर से सेफ़ नहीं है इस वक्त, तो आओ बाहर ले जाओ। बेटा मेरा घर था, मुझे ये नहीं आइडिया था, तो भांजा मेरा कहीं निकल गया, तो ये जहाँ उतरते हैं वहाँ पर थाना है साथ, पर वो थाने वाला इलाका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, बिल्कुल खाली जगह, तो मैं उस तरफ नहीं गई अम्मी को लेके, एक तो आपको पता अम्मी चल नहीं सकती, अम्मी को इतना मुश्किल से मैंने रोड क्रॉस करवाई, और ये जीटी रोड क्रॉस करनी मैं कहती हूँ अम्मी जैसे बंदे के लिए तो मौत के साथ खेलने के बराबर है, गाड़ियाँ इतनी तेज़ आती है वो रुकती नहीं है, तो अम्मी को बड़ी मुश्किल से मैंने रोड क्रॉस करवाई। तो मैंने ये कहा कि वो जिस तरफ मेरे भांजे ने कहा था, मैंने कहा तो खाली जगह है वहाँ, ख़तरनाक है, अल्लाह ना करे कोई आ जाए तो हम किधर जाएंगे। तो आगे शॉप्स खुली थी, मुझे ये था कि जहाँ पर आबादी वाली जगह हो ना वहाँ पर थोड़ा आपकी सेफ्टी होती है, बेशक वहाँ पर भी मर्द होते हैं सब कुछ होता है, लेकिन ये होता है कि जहाँ आबादी हो ना अगला आपको छेड़ने या चोरी करने से डरता है, क्योंकि अगर एक बंदा बुरा होता है तो उस वहाँ पर 2-3 लोग अच्छे भी होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो वहाँ पर जाके दुकानों के साथ सीढ़ियाँ थी, मैंने वहाँ पर अम्मी को बिठाया, अस्सलाम वालेकुम, और भांजे को कॉल मिलानी शुरू की कि हम वहाँ पर नहीं खड़े तुम इधर आओ। जनाब भांजे ने कॉल ही नहीं उठाई, कॉल मिला के फिर इतनी देर मैंने देखा मेरा भांजा मेरे करीब से गुजरा बाइक पर, मैंने उसको बुलाती रही, आवाज़ें देती रही, उसको आवाज़ ही ना आई, तो वो गुजर गया। तो मैं फिर अब क्या करें, वो कॉल भी ना उठाए, अब यहाँ से किधर जाएं, ऊपर से जो 2-3 शॉप्स थी वो भी बंद हो रही थी, मैं और परेशान, हम अकेली औरतें, भांजा मेरा कहीं घर वापस आ गया, तकरीबन 5 मिनट का फासला वहाँ से इधर बाइक पे। तो जब वो घर वापस आया उसने फिर अपने मोबाइल से हमें कॉल की कि आप किधर थे, मैंने कहा हम तो इधर खड़े थे, तुम्हें देखा भी तुमने, तुम मोबाइल क्यों नहीं लेके आए साथ। तो फिर उसने मेरे बेटे को लेके फिर दोबारा ये गए और हमें लेके आए। जनाब उस दिन जो हमारे साथ ये ड्रामा हुआ है, लेकिन एक चीज़ है, मैं तो चाहे जितनी भी बहादुर बन जाए, जितनी भी दिलेर बन जाए, पर होती औरत ही है,
हमारे माशरे में एक औरत का अकेले सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। उस दिन मुझे ये चीज़ बड़ी फील हुई। वैसे तो मैं बड़ी बहादुर बनती रहती हूँ कि हर चीज़ फेस कर लूँगी, अकेले रह लूँगी, अकेले सब कुछ मैनेज कर लूँगी, लेकिन उस वक्त मुझे ये चीज़ बड़ी फील हुई थी कि जो भी हो, जब मैं और अम्मी अकेले थे और शॉप्स बंद हो रही थी, तो जो भी हो है तो हम औरतें हैं ना, तो उस वक्त मुझे थोड़ा सा डर भी महसूस हुआ था। तो जनाब एक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हमें इतनी परेशानी और इतनी ये कुछ हुई। तो लेकिन हमारे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी इतनी चोरियाँ हो जाती हैं, छोटी सी चोरी को कौन पूछता है, है तो ये गलत है इस तरह सवारियाँ रास्ते में बिठाना, रोकना। कब एंड करती हूँ, लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और साथ हैं इस बहन का वीडियो को पूरा पूरा देखा करें ताकि वॉच टाइम कंप्लीट हो और चैनल मोनिटाइज हो और अब्दुलसमद का इलाज शुरू हो सके। तो कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पसीना देखें जनाब मेरा।